नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कड़ा होगा मुकाबला, तेज़ी से बढ़ रहे हैं आवेदकों की संख्या। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे शिक्षा भर्ती परीक्षा में कड़ा होगा मुकाबला क्या, तो यह मुकाबला किस तरीके का मुकाबला होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक जिसने जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का आएगा, उसको दबा लें। जैसे ही आप रेड कलर के सब्सक्राइब को प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा रेड से, और बाजू में घंटी का चिन्ह आएगा, उसको दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। प्रदेश के परिषद प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 6 जनवरी को होने वाली लिखित परीक्षा में कड़ा मुकाबला होगा। 16 दिसंबर की शाम तक 360,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क भी जमा हो गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 6 दिसंबर से पंजीकरण कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 20 दिसंबर की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। अधिकारियों ने करीब 4 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद जताई है। ऐसे में एक पद के लिए 6 से 7 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। गौरतलब की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 27 मई 2018 को हुई लिखित परीक्षा में 125,740 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 107,873 अभ्यर्थियों के शामिल होने की मुकाबला आसान था। हालांकि कट ऑफ अधिक होने के कारण 13 अगस्त को घोषित परिणाम में केवल 41,556 अभ्यर्थियों ही चयनित हुए और 26,944 पद खाली रह गए। इस बार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हम नई नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।